हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हीरो नेटवर्क्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं DCEU के मेन बैटमैन के बारे में। जी नहीं, मैं यहां पे बेन अफ्लेक के बैटमैन के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं यहां बात कर रहा हूं माइकल कीटन के बेन अफ्लेक के बारे में। और हाँ, बहुत सी अपडेट्स आई हैं, तो फिर सारी अपडेट्स को एक ही साथ मैंने सोचा एक वीडियो में कवर अप कर देते हैं। तो क्या रही वो सारी डिटेल आइए जानते हैं बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो यार, अगर आपको नहीं पता तो जो मूवी आ रही है दी बैटमैन, जिसमें रॉबर्ट पैटिसन बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हैं, अर्ली पहले बेन अफ्लेक को ही वो मूवी अप्रोच की गई थी, बट बेन अफ्लेक का कोई भी मूड नहीं है बैटमैन के कैरेक्टर में रिटर्न करने का, इस वजह से उन्होंने वो मूवी ही छोड़ दी। इसके बाद मैट रीव ने अपना पूरा स्टोरी चेंज किया और उस पर मूवी बनाई, और अब फाइनली जो DCEU के मेन बैटमैन है वो माइकल कीटन बनने वाले हैं। और इवन उनका फ्लैश में भी बहुत बड़ा एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है, प्लस अभी कुछ सेट फोटोज ये बता रहे हैं कि वो दी बैट गर्ल फिल्म में भी देखने को मिलने वाले हैं। अब वहाँ से भी बहुत सारे सेट इमेजेस सामने आ रहे हैं जो फाइनली में बता देता है कि अब DCEU के मेन बैटमैन कोई और नहीं बल्कि माइकल कीटन वाले बैटमैन ही होने वाले हैं। और एक रूमर आई थी कि फ्लैश फिल्म में पूरे स्नाइडर कट का जो स्नाइडर वर्स का जो है वो पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाएगा। तो हाँ, इस पर भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है वार्नर ब्रदर्स को लेकर, और अभी भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। मेरे हिसाब से वो कभी भी ऐसा इरेज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वो मूवीज़ देखी हुई है, और स्नाइडर भी चाहेंगे कि उनकी टाइमलाइन इरेज ना हो। और खुद इज़रा मिलर यानी कि जो फ्लैश के एक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि स्नाइडर वर्स का जो विजन था वो काफ़ी यूनिक था और काफ़ी सही था, तो उसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता। वेल, अब ये तो बात ही कर रहे हैं, अब देखते हैं एक्चुअल मूवी में क्या होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब दी फ्लैश की प्रीक्वल कॉमिक भी आ रही है, जो पहले फ्लैश मूवी सिर्फ एक ओरिजिन मूवी होने वाली थी, बट अब मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। तो यार, इन सारे अपडेट्स को लेके आपकी क्या राय है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस वीडियोस मिलती रहेंगी और सुपर हीरोज़ के यूनिवर्स से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, और भी मेरी वीडियोज़ है उसको भी देख लो। तब तक के लिए जय हिंद।